हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से MTS की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ज्यादा हायर नहीं डिमांडेबल है इसके लिए। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में मैं डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम की पैटर्न। तो अगर आप भी इसको लेकर इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच करना। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, DSSSB MTS की न्यू रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी। पोस्ट की अगर बात करें तो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल 567 सीट्स रहने वाली है। अप्लाई डेट आपका ये फॉर्म स्टार्ट होगा 8th February से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 8th March रहने वाला है। तो आपको 8 मार्च का इंतजार नहीं करना है, जैसे ही 8 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो आप अप्लाई कर देना, क्योंकि बाद में हो जाती है बहुत ज्यादा ही सर्वर की इशू, तो इसके लिए आपको समय से ही फॉर्म अप्लाई करना सही रहेगा। अब बात करते हैं फॉर्म के फी की। तो जनरल OBC और EWS से लिया जाएगा 100 rupees। वहीं पर अगर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन की बात करें तो उनसे कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अब एज लिमिट देख लेते हैं कि कब से आपका एज काउंट होगा। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 8th March 2024। 8 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स, मतलब कि 18 से लेके 27 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट होंगे सभी इलिजिबल रहने वाले। रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए, OBC को 3 ईयर्स का, SC ST को 5 ईयर्स का। एज यू नो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से 10th पास कर रखा है आपने, डजन मैटर क्या परसेंटेज है, आप इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 stages। फर्स्ट स्टेज पे होगा ऑनलाइन CBT, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दीजिए। वो क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिंपल सा मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न है। फ्रेंड्स, आपका जो पेपर होगा उसमें होंगे 200 questions 200 marks के लिए, पर क्वेश्चन 1 mark मिलेगा। टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर है और निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, तो थोड़ा केयरफुली एग्जाम में जब आप आंसर टिक करोगे तो केयरफुली करना। और सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें ना तो जनरल अवेयरनेस के 40 questions, मतलब सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न होगा। रीजनिंग के 40 questions होंगे 40 marks के लिए, मैथमेटिक्स के 40 questions 40 marks के लिए, हिंदी के 40 questions 40 मार्क्स के लिए एंड लास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश के 40 questions 40 मार्क्स के लिए। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न, आई होप क्लियर हो गया होगा। और DSSSB के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो एग्जाम सेंटर होता है ना, दिल्ली के ही डिफरेंट जगह पे आपका एग्जाम सेंटर होता है, तो वो आप देख लेना एग्जाम फॉर्म अप्लाई करते टाइम, और जो आपका सर्विस होगा वो भी दिल्ली में ही रहेगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जब आप सर्व करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी मैं बता देती हूँ आपको। आपकी सैलरी जो है 23,000 rupees to 30,000 rupees पर मंथ की रहने वाली है सैलरी, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसको मिस ना होने दो। और DSSSB के थ्रू बहुत सारी वेरियस पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट आई है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप चाहो तो जाके उसको भी देख सकते हो। और अगर आज जो कुछ भी बताया है उसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर
भी मुझे फॉलो करके वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।